हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ केवी टीचर्स गिल्ड सो स्टूडेंट्स टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर ऑफ क्लास फिफ्थ ईवीएस विच इज़ फॉरेस्ट ट्वेंटी चैप्टर है ये आपका किनके जंगल ये जो जंगल्स हैं आप जानते हैं किसी ने उगाया तो नहीं है इन्हें नेचुरली उग गए हैं कुछ लोग यहाँ पर रह रहे हैं पहले से उन्होंने इनकी देखभाल की इनसे जो प्रोडक्ट्स मिले फ्रूट्स वुड जो है उसको ये लोग यूज़ भी करते थे फिर कुछ पर जो है गवर्नमेंट का राइट right है गवर्नमेंट प्रोटेक्टेड है कि उनमें रिस्ट्रिक्टेड है सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ तो क्वेश्चन ये है कि ये है किसके लोगों के गवर्नमेंट के या फिर किसी और के ये डेफिनेटली हम लोगों को चैप्टर पढ़ के ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा ये फर्स्ट वीडियो है इसमें हम लोग पहले एनसीआर का चैप्टर रीड करेंगे समझेंगे एन सी आर टी के क्वेश्चन आंसर्स भी साथ साथ डिस्कस करेंगे इसके बाद वर्कशीट की वीडियो आएगी जिसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है एंड देन दे विल बी अ क्विज़ तो उनको आप मिस ना करें उसके लिए जरूरी है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट टॉपिक है हमारा डॉटर ऑफ द जंगल जंगल की बेटी लुक एट द पिक्चर पिक्चर को देखिए इस पिक्चर की बात हो रही है जहां पर बहुत सारे बच्चे आप देख रहे हैं कहीं जा रहे हैं अ इज विद वेयर डू यू थिंक दिस चिल्ड्रन आर ऑफ टू आपको क्या लगता है बच्चे कहां जा रहे हैं क्या कर रहे हैं विद लिटिल बंडल ऑन देयर स्टिक्स उनके स्टिक्स के ऊपर ये देखिए छोटे से कुछ बंडल्स भी हैं वेन यू फाइंड आउट जब आपको पता लगेगा यू टू वुड वॉन्ट टू गो विद दैम आप भी इनके साथ इनके साथ जहाँ पर ये जा रहे हैं वहीं जाना चाहेंगे चलिए ठीक है देखते हैं द चिल्ड्रन आर गोइंग टू द फॉरेस्ट ये लोग बच्चे जो हैं ये फॉरेस्ट जंगल जा रहे हैं देयर दे जंप रन क्लाइम ट्रीज एंड सिंग सॉन्ग इन देयर लैंग्वेज कॉल्ड कुडुक वहां पर जाके ये जंप करते हैं दौड़ते हैं कूदते हैं पेड़ों पर चढ़ते हैं गाना गाते हैं उनकी लैंग्वेज में लैंग्वेज क्या है इनकी कुड़ुक याद रखना इंपॉर्टेंट है अंडरलाइन कर लीजिए अपनी बुक में साथ साथ दे पिक द फॉलन फ्लावर्स जो गिरे हुए फूल है उनको उठाते हैं लीव्स पत्तियों को दे वीव दिन टू नेकलेस और उनका नेकलेस बनाते हैं दे इन्जॉय द वाइल्ड फ्रूट्स वहाँ पर जो जंगली कुछ फ्रूट्स हैं फल है उनको एन्जॉय करते हैं दे लुक फॉर बर्ड्स बर्ड्स को देखते हैं हुज कॉल्स दे इमिटेड जिनकी जो बोली है वो उनकी नकल करते हैं इमिटेट करना मतलब नकल करना ज्वाइनिंग देम इन ऑल दिस फन फेवरेट दीदी सूर्यमणि और इन सब फन में सब मस्ती में उनके साथ कौन रहती है हमेशा उनकी दीदी जो उनकी फेवरेट है जिनका नाम है सूर्यमणि एवरी संडे हर संडे को सूर्यमणि टेक्स द चिल्ड्रन टू तो द फॉरेस्ट बच्चों को लेके सूर्यमणि फॉरेस्ट जाती हैं एज दे मूव अराउंड जब वो चारों तरफ घूम रहे होते हैं शी शोज देम हाउ टू रिकोगनाइज द ट्री द प्लांट्स एंड एनिमल्स वो उनको बताती है कि डिफरेंट ट्रीज को प्लांट्स को एनिमल्स को कैसे रिकोगनाइज करें किसी ट्री के पत्ती से उसको रिकोगनाइज करो किसी एनिमल की बोली से उसको रिकोगनाइज करते हैं है ना तो ये सब वो उनको बताती है चिल्ड्रन इंजॉय दिस स्पेशल क्लास इन अ फॉरेस्ट और बच्चों को ये स्पेशल क्लास जो लगती है जंगल में वो बहुत अच्छी लगती है ऐसा स्कूल में भी आपने देखा होगा कई बार ईवीएस का पार्ट पढ़ाने के लिए टीचर्स आपको जब ग्राउंड में ले जाते हैं तो बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं तो सेम यही उनके साथ है चिल्ड्रन ओके okay, सूर्यमनी ऑलवेज सेल सूर्यमनी हमेशा क्या कहती हैं टू लर्न टू रीड द फॉरेस्ट इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज रीडिंग बुक्स जितना ज़रूरी किताब पढ़ना है उतना ही ज़रूरी फॉरेस्ट को पढ़ना भी है जंगल को पढ़ना भी है शी सेज वो कहती हैं वी आर फॉरेस्ट पीपल हम जंगल के लोग हैं जिन्हें हम आदिवासी कहते हैं आदिवासी किसी को पूछा जाएगा क्या कहते हैं किन को कहते हैं तो द पीपल हु लिव इन फॉरेस्ट जो जंगल में रहते थे लोग उन्हें आदिवासी कहते हैं Our lives are linked to the forest. हमारी जो जिंदगी है वो कहीं कही ना कहीं जंगल से लिंक्ड है इफ द फॉरेस्ट आर नॉट देयर अगर जंगल नहीं रहेंगे वी टू विल नॉट रिमेन तो हम भी नहीं रहेंगे बिल्कुल सही बात है यहाँ पर देखिए सूर्यमणि के बारे में आपको कुछ दिया हुआ है सूर्यमणि स्टोरी इज अ ट्रू स्टोरी है जो कहानी है बिल्कुल सच की कहानी है सूर्यमणि इज अ गर्ल स्टार ये एक गर्ल स्टार है गर्ल स्टार इज एक प्रोजेक्ट है जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहानियां बताता है ऑर्डिनरी गर्ल्स की साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियां जो है इस प्रोजेक्ट में बताई जाती है हु हैव चेंज देयर लाइफ बाय गोइंग टू स्कूल जो स्कूल जाकर जिन्होंने अपनी जिंदगी बदली है तो कहने का मतलब है ये एक सच की कहानी है कहानी बना के नहीं बताई गई है आपको इसलिए देखिए पिक्चर भी एकदम ली हुई है किसी की देखिए यहाँ पर दोबारा से इनकी पिक्चर है वॉट यू थिंक इज अ फॉरेस्ट अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है तो एक सिंपल सी डेफिनेशन है आप लिखेंगे फॉरेस्ट यहीं से स्टार्ट करिए Is a large area covered with trees. ये सिंपल है पेड़ों से ढका हुआ पूरा एक बहुत बड़ा एरिया जो होता है उसे फॉरेस्ट जंगल कहते हैं और अगर और बढ़ाना चाहे तो आप लिख सकते हैं इट प्रोवाइड शेल्टर ये शेल्टर देता है किसको? को वेरियस एनिमल्स को इसमें बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं और इंसेक्ट्स रहते हैं और बर्ड्स रहती हैं है ना तो ये सब चीजें आप आगे एक और सेंटेंस डालना चाहो तो डाल सकते हैं अदरवाइज डेफिनेशन इतनी भी क्लियर है फॉरेस्ट इज अ लार्ज एरिया एरिया कवर्ड विद ट्रीज ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ समन ग्रू लॉट्स ऑफ ट्रीज क्लोज टू ईच अदर अगर हम सभी बहुत सारे पेड़ उगाएं एक दूसरे के पास वुड दिस बिकम अ फॉरेस्ट इतने पेड़ नहीं उगा पाएंगे आपको फॉरेस्ट जितनी जगह भी नहीं मिलेगी फॉरेस्ट तो कई किलोमीटर्स में फैला हुआ एरिया होता है तो आंसर इज नो अगर आप कोई एक आदमी सम वन एक पर्सन बहुत सारे पेड़ एक दूसरे के पास उगा दे तो वो इतना थिक नहीं हो पाएगा जितना फॉरेस्ट होगा तो आंसर विल बी नो छोटा सा बाग बन सकता है एक बगीचा बन सकता गार्डन बन सकता है वो बट फॉरेस्ट नहीं बन सकता नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट एंड राइट अदर देन ट्रीज वॉट ऑल देयर इज इन अ फॉरेस्ट पेड़ के अलावा और क्या क्या चीजें आपको फॉरेस्ट में मिलती हैं तो एनिमल्स मिलते हैं बर्ड्स मिलती हैं और इंसेक्ट्स मिलते हैं तो ये कुछ चीजें जो कि आपको पेड़ों के साथ साथ ये सब चीज़ें भी मिलती है डू ऑल फॉरेस्ट हैव सिमिलर टाइप ऑफ ट्रीज क्या हर फॉरेस्ट में एक ही टाइप के ट्री होते हैं बिल्कुल नहीं हाउ मेनी ट्रीज़ कैन यू आइडेंटिफाई अब कितने ट्री आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कितने पेड़ आपने देखे नीम ट्री को आप आइडेंटिफाई जरूर कर लेंगे उसकी पत्तियों से मैंगो ट्री को भी कर लेंगे फ्रूट से या फिर पत्तियों से देन और कौन कौन बैनियन ट्री को कर लेंगे उसके ऊपर आपने देखा होगा जड़ें जो है वो लटकी रहती है और कितने ट्रीज़ को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं उनके नाम आप लिखिए जितने भी ट्रीज़ आप जानते हैं ये आप खुद करेंगे नेक्स्ट है सूर्यमनी सेज़ सूर्यमनी कहती है इफ़ द फॉरेस्ट आर नॉट देयर अगर फॉरेस्ट नहीं रहेंगे वी टू विल नॉट रिमेन हम भी नहीं बचेंगे वाई उनका ऐसा कहना क्यों है तो सिंपल सी बात है कि आप जानते हैं अपने बहुत ये आई थिंक सेकेंड थर्ड से ही शुरू हो जाता है आपको लिखना होता है कहीं उसमें कि पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है वी गेट मेनी थिंग्स फ्रॉम ट्रीज मेडिसिन हो चाहे वो शेल्टर हो वुड हो घर बनाने के लिए आपके फर्नीचर बनाने के लिए आपके जिससे आप पढ़ते हैं बुक्स बनाने के लिए ग्रेन्स आपको मिलता है उससे फ्रूट्स uh, मिलते हैं और बहुत सारी चीज़ें आपको उससे मिलते हैं लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जिसके बिना आप जी ही नहीं सकते दैट इज ऑक्सीजन तो आंसर होगा वी गेट ऑक्सीजन फ्रॉम ट्रीज पेड़ों से आपको ऑक्सीजन मिलती है आप जानते हैं कि uh, trees. Uh, human being ट्रीज ह्यूमन बींग और ट्रीज़ का बिल्कुल अपोजिट सिस्टम है हम लोग ऑक्सीजन इनहेल करते हैं हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए और कार्बन डाई एक्जेल करते हैं ट्रीज़ क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं उससे वो सांस लेते हैं और ऑक्सीजन एक्जेल करते हैं इसलिए बैलेंस बना हुआ है इसलिए सब जिंदा है लेकिन अगर आप पेड़ काट देंगे तो क्या होगा कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगी जो कि हो रहा है आजकल है ना फिर सांस नहीं लेने में बनेगा आपको तो आपको पेड़ों से ऑक्सीजन मिलती है इसलिए जब तक पेड़ है तब तक आप है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप इस क्वेश्चन को बड़ा बनाना चाहे सपोज करिए ये क्वेश्चन फाइव मार्क्स में आ गया तो फिर एक लाइन से काम नहीं चलेगा आप फिफ्थ क्लास में हो इतना आप अब एडजस्ट कर सकते हो क्वेश्चन को अब इसमें और चीज़ें लिख देना कि वी गेट वॉट ऑक्सीजन के अलावा और क्या मिलता है आप एनवायरमेंट को क्लीन रखते हैं वी गेट शेल्टर फूड खाना मिलता है है ना मेडिसिन भी मिलती है वो भी बहुत ज़रूरी है फ्रॉम ट्रीज तो ये सब चीज़ें उसके बाद क्वेश्चन को आप बड़ा कर देना थोड़ा सा ट्री के ऊपर एक छोटा सा हिस्से लिख देना इसमें आगे आते हैं नेक्स्ट इज ग्रोइंग अप सूर्यमणि लव्स द फॉरेस्ट सिंस शी वॉज अ चाइल्ड जब से वो बच्ची थी तब से वो फॉरेस्ट को बहुत प्यार करती है शी वुड नॉट टेक द डायरेक्ट रोड टू स्कूल वो कभी भी स्कूल जाने के लिए सीधी रोड नहीं लेती थी बट वुड चूज द पाथ थ्रू द फॉरेस्ट लेकिन जंगल से एक जो रास्ता जा रहा था वो हमेशा उससे जाती थी father had a small field. सूर्यमनी फादर हैड अ स्मॉल फील्ड सूर्यमणि के फादर के पास एक छोटा सा खेत था हर फैमिली यूज टू कलेक्ट लीव्स एंड हर्ब्स फ्रॉम द फॉरेस्ट उनकी जो फैमिली थी वो पत्तियाँ और हर्ब्स जो हैं कुछ जड़ी बूटियाँ लेके आते थे फॉरेस्ट से एंड सेल डीज इन बाजार उनको बाज़ार में बेचते थे हर मदर वुड वीव बास्केट फ्रॉम बैम्बू उसकी मदर बैम्बू से बांस से बास्केट बुनती थी टोकरियाँ बनाती थी एंड मेक लीफ प्लेट्स आउट ऑफ फॉलन लीव और गिरी हुई जो पत्थियाँ उनसे पत्तियों की प्लेट आपने देखा होगा कई बार जो कोई कम्युनिटी फीस्ट होता है उसमें उसके ऊपर खाना दिया जाता है तो वो भी बनाती थी बट नाउ नो वन कैन पिक अप अ सिंगल लीव फ्रॉम द फॉरेस्ट लेकिन अब कोई भी एक पत्ती भी फॉरेस्ट से नहीं उठा सकता ये क्यों है ये हम अभी आगे और डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि अब क्या हो गया है फॉरेस्ट को एक वर्ड याद रखना आप इसमें रिजर्व फॉरेस्ट को रिजर्व कर दिया गया है गवर्नमेंट ने रिजर्व कर दिया है कि कोई भी ह्यूमन बींग की एक्टिविटी वहां पर नहीं होगी आप जंगल जाके वहां की कोई भी चीज ला नहीं सकते वो लॉ के अगेंस्ट है वो एक कानून बना दिया गया है तो अब वहां से वो चीज़ें नहीं ला सकते हैं दैट इज सिंस शंभू द कॉन्ट्रैक्टर केम देयर ओके यहाँ पर रीजन डिफरेंट है शायद और ये तब से हुआ है जब से शंभु द कॉन्ट्रैक्टर वहां पर आया है द पीपल ऑफ़ सूर्यमणिज विलेज वर अफ्रेड ऑफ द कॉन्ट्रेक्टर सूर्यमनी के गांव के जो लोग थे वो कॉन्ट्रैक्टर से बहुत डरते थे एवरी वन एक्सेप्ट बिंदिया माई बुढ़िया माई सॉरी सभी सिर्फ किसको छोड़ के बुढ़िया माई को छोड़ के बाकी सब कॉन्ट्रैक्टर से डरते थे शिव से वो कहती थी वी द पीपल ऑफ दिस फॉरेस्ट हम इस फॉरेस्ट के लोग हैं मतलब आदिवासी है हैव आर राइट ओवर इट हमारा इस पर अधिकार है वी लुक आफ्टर आर फॉरेस्ट हमने जो फॉरेस्ट है इसको लुक आफ्टर किया है इसकी देखभाल की है वी डोंट कट ट्रीज लाइक दिज कॉन्ट्रैक्टर्स डू जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्टर पेड़ काटते हैं हम वैसे नहीं काटते द फॉरेस्ट इज लाइक आर कलेक्टिव बैंक ये जो फॉरेस्ट है ये हमारे एक कलेक्टिव बैंक की तरह बैंक जिसमें आप चीजें डालते रहते हैं अपनी चीजें कलेक्ट करते रहते हैं नॉट योर्स और माइन अलोन ये तुम्हारा या मेरा अकेला नहीं है हम सबका है ये जो फॉरेस्ट हैं वी टेक फ्रॉम इट ओनली एज मच एज वी नीड जितना हमें चाहिए हम इतना ही उससे लेते हैं वी डोंट यूज़ अप ऑल आर वेल्थ हम अपने जो इसके पास जितनी भी चीज़ें वो सब नहीं लेते यानी कि कॉन्ट्रैक्टर जो आया है वो पेड़ों को काट रहा है जंगलों को ख़त्म कर रहा है अपने यूज़ के लिए तो उसके अगेंस्ट गांव वाले हैं और उसने ये रिजर्व कर दिया कि अब कोई भी गांव से कोई और चीज़ नहीं ले सकता एक्सेप्ट कॉन्ट्रैक्टर चलिए सूर्यवनी फादर कुड नो लॉन्गर सपोर्ट द फैमिली ऑन द स्मॉल लैंड सूर्यमणि के जो फादर है वो फैमिली को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास छोटी सी लैंड थी पहले जंगल से बहुत सारी चीजें मिल जाती थी उसको बेचकर कुछ उन्हें पैसे मिल जाते थे अब वो नहीं मिल रहे हैं तो फैमिली का गुजारा थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है ही मूव टू द टाउन इन सर्च ऑफ वर्क अब वो शहर चले जाते हैं काम की तलाश में बट थिंग्स डि नॉट इम्प्रूव लेकिन चीजें अभी भी इम्प्रूव नहीं होती समटाइम्स दे वुड बी नो फूड इन द हाउस कई बार घर में खाना भी नहीं होता इतनी बुरी हालत है एट टाइम्स मनिया चाचा कई बार मनिया चाचा जो है उनके अंकल वुड सेंड सम ग्रेन फ्रॉम हिज स्मॉल शॉप टू सूर्यमनीस हाउस वो अपनी छोटी सी दुकान से उनके घर पे ग्रेन्स जो है अनाज भेजते हैं चाचा ट्राइड हार्ड एंड गॉट एडमिशन फॉर सूर्यमनी इन अ स्कूल इन बिशनपुर चाचा ने बहुत ट्राई किया और सूर्यमनी का एडमिशन जो है वो बिशनपुर के एक स्कूल में करा दिया हेयर दे वुड नॉट हैव टू पे फॉर द फीस यहाँ पर उसे उन्हें फ़ीस यूनिफॉर्म और बुक्स ये पैसे नहीं देने पड़ते हैं आप जानते हैं गवर्नमेंट स्कूल में ये सभी चीज़ें फ्री मिलती है हर बच्चे का राइट है पढ़ने का तो चीज़ें उनको यूनिफॉर्म फीस और बुक्स इनफैक्ट मील भी मिड डे मील हमने देखा था प्रीवियस चैप्टर्स में वो उन्हें फ्री में दिया जाता है सूर्यमणि वुड हैव हाँ टू स्टे देयर एंड स्टडी सूर्यमणि को वहीं पर रहना और पढ़ना पड़ेगा जहाँ पर एडमिशन हुआ है सूर्यमणि डिडेंट वॉन्ट टू लीव हर विलेज एंड फॉरेस्ट लेकिन सूर्यमणि अपना गाँव और फॉरेस्ट छोड़ना नहीं चाहती है बट मनिया चाचा वॉज फॉर्म लेकिन मनिया चाचा एकदम दृढ़ थे अपने डिसीजन में और वो कहते हैं इफ़ यू डू नॉट स्टडी अगर तुमने पढ़ाई नहीं की वॉट विल यू डू तुम क्या करोगी गो हंगरी भूखी मर जाओगी क्योंकि गांव में तो काम नहीं है पढ़ोगी कुछ बनोगी फैमिली को सपोर्ट करोगी सूर्यमणि वुड आर्ग्यू सूर्य सूर्य अब आर्ग्यूमेंट आर्ग्यू करती है उनके साथ व्हाई शुड आई गो हंगरी मैं क्यों भूखी मरूंगी द जंगल इज़ देयर टू हेल्प जंगल है ना हमारी हेल्प करने के लिए चाचा ट्राइड टू एक्सप्लेन चाचा उसको एक्सप्लेन करते हैं बट वी आर बींग मूवड अवे फ्रॉम आर फॉरेस्ट लेकिन अब हम अपने फॉरेस्ट से मूव अवे हो चुके हैं दूर जा चुके हैं इवन द फॉरेस्ट आर डिसअपियरिंग यहाँ तक कि जो जंगल है वो भी धीरे धीरे डिसअपियर हो रहे हैं गायब हो रहे हैं ख़त्म हो रहे हैं इन दियर प्लेस माइंड्स आर बींग ड उनकी जगह माइंडस डग कर दी गई है माइंड खदाने होती हैं जिनसे कि जिनको जंगलों को काट के उनके नीचे से कोयला कोल पेट्रोलियम सोना ये सब चीज़ें निकाली जाती हैं वहाँ पर डैम्स बना दिए गए हैं डैम्स के बारे में तो पूरा चैप्टर ही आपने पढ़ा था एक कि आ, बांध बना दिए गए हैं जंगल्स को कट करके जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है आर बींग बिल्ट बिलीव मी मेरा विश्वास करो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू स्टडी तुम्हारे लिए अभी पढ़ना बहुत ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड अबाउट द लॉज जिससे कि तुम लॉ को कानून को समझ सको मे बी देन यू कैन हेल्प टू सेव आर फॉरेस्ट हो सकता है तब तुम फॉरेस्ट को सेव करने में हेल्प कर सको पढ़ाई बहुत ज़रूरी है जब तुम्हें कानून पता होगे तभी तो तुम दूसरा कोई तुम्हें कह रहा है कि तुम जंगल में मत जाओ आप तभी तो काउंटर कर पाओगे अदरवाइज वो आपको दस लॉ सुना देंगे आपको पता ही नहीं होगा वो क्या कह रहे हैं फिर आपको रुकना ही पड़ेगा यंग सूर्यमणि लिसन रंग सूर, जो छोटी सूर्यमनि थी उसने सुना एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड सम ऑफ वॉट ही सेट और जो उनने कहा उसको कुछ समझने की कोशिश की क्वेश्चन से डू यू नो एनी वन हु लव द फॉरेस्ट क्या आप किसी ऐसे को जानते हो जिनको फॉरेस्ट बहुत पसंद है उनका नाम आप लिख देना ये तो आपके लिए है द कॉन्ट्रैक्टर डिड नॉट अलाउ सूर्यमनी इज़ पीपल टू गोइन टू फॉरेस्ट कॉन्ट्रैक्टर अलाउ नहीं कर रहा था सूर्यमनी के लोगों को सूर्यमनी के गाँव के जो लोग थे उनको फॉरेस्ट uh, में जाने के लिए क्यों ऐसा था कॉन्ट्रैक्टर जैसे नाम से ही पता लग रहा है उसको जरूर कॉन्ट्रैक्ट मिला होगा कि वो जो ट्रीज हैं फॉरेस्ट हैं उनको यूज़ कर सकें तो कॉन्ट्रैक्टर आप क्या लिखेंगे मे हैव बीन कॉन्ट्रैक्टर लिख लेना आगे मे हैव बीन कटिंग द ट्रीज वो पेड़ों को कट कर रहा होगा रीजन एग्जैक्टली exactly नहीं बताया हम है। सिर्फ सोच ही सकते हैं कि क्या हुआ होगा एंड सेलिंग देम और उनको बेच रहा होगा कहां पर इन चलो समवेयर इन द मार्केट और कहीं पर कहीं उनको बेच रहा होगा यही करते हैं ना कॉन्ट्रैक्टर फॉरेस्ट में क्या करेंगे पत्तियां थोड़े ही चुनेंगे वो वो पेड़ों को कट करते हैं और उनको बेचते हैं बहुत हाई रेट्स पर जिससे उनको फायदा होता है सो दैट इज वाई वो उनको मना कर रहा था कि आप मत जाओ कहीं ये कुछ लकड़ियां ना उठा ले इसीलिए उनको जंगल में जाना अलाउ नहीं था तो ये रीजन है नेक्स्ट क्वेश्चन इज इज़ देर एनी प्लेस अराउंड यू अराउंड योर एरिया विच यू फील शुड भी ओपन फॉर एवरी वन क्या कोई ऐसा एरिया है आपके आस पास जो आपको लगता है कि सबके लिए खोल देना चाहिए बट वेयर पीपल आर नॉट अलाउड टू गो जहाँ पर लोगों को जाना अलाउ नहीं है तो ये भी आपको ये बताना है कोई है तो आप येस लिखिए अदरवाइज नो भी लिख सकते हैं हु डू यू थिंक द फॉरेस्ट बिलोंग टू आपको क्या लगता है फॉरेस्ट किससे बिलोंग करते हैं तो फॉरेस्ट बिलोंग टू एवरी वन हर किसी से स्पेशली जो लोग इतने सालों से वहाँ पर रह रहे हैं उन्होंने फॉरेस्ट को नुकसान नहीं पहुँचाया वो चाहते तो कब का काट के बेच देते हैं उनको अभी तक फॉरेस्ट जिंदा है उन लोगों के रहते हुए भी उन्होंने मेहनत किया उनको लुकआफ्टर किया है तो उनको तो आप बिल्कुल मना कर ही नहीं सकते हो वैसे भी वो पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचा रहे उनसे जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं उन्हीं को यूज कर रहे हैं बट उनको भी अगर आप नहीं लिखना चाहते उनके बारे में तो आप लिखेंगे फॉरेस्ट बिलोंग्स टू एवरी वन सबके हैं जंगल आप भी जा सकते हो घूमने के लिए ओके बुढ़िया माई सेट बुढ़िया माई ने कहा फॉरेस्ट इज आर कलेक्टिव बैंक फॉरेस्ट जो है हमारे मिले सबका एक बैंक की तरह है नॉट योर्स और माइन्स अलोन तुम्हारा और मेरा अकेला नहीं सबका है आर देयर अदर थिंग्स विच आर आर कलेक्टिव वेल्थ कुछ ऐसी चीजें और है जो हमारी कलेक्टिव वेल्थ है जो आ, अगर कोई ज्यादा यूज करेगा तो सब लोग सफर होंगे बिल्कुल एक आप एग्जाम्पल ले लीजिए ग्राउंड वाटर जो जमीन के अंदर पानी है वो हम सबका है कुछ लोग उसको ओवर यूज कर रहे हैं जैसे कि खेती के लिए ट्यूबवेल लगा देते हैं अननेसेसरी पानी को बहाते रहते हैं तो वो अगर उसको ओवर यूज करेंगे तो डेफिनेटली कोई ना कोई तो फ्यूचर में सफर करेगा उसके बाद मिनरल्स जो है जमीन के अंदर वो हमारी सबकी कलेक्टिव वेल्थ है वाटर जो है वो हम सबकी कलेक्टिव वेल्थ है ओके okay? तो ये कुछ चीजें हैं जो सभी की है किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की गवर्नमेंट की या किसी कॉन्ट्रैक्टर एक्सेट्रा की नहीं है तो चलिए अभी ये सेवनटीन मिनट्स की वीडियो हो गई अभी इसको पॉज करते हैं ये एक पार्ट वन था आपका नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग जो चैप्टर है हम वो कवर करेंगे सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो टू कम